नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीवीज टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रहे हैं जी टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो भाग्यलक्ष्मी की। एंड गाइस, भाग्यलक्ष्मी की कहानी ना बहुत मजेदार होती जा रही है, और जब से हो गया है पारो और लक्ष्मी का गृह प्रवेश, तब से तो शो की कहानी में चार चांद लग गया है। अब रोज आपको नए नए तमाशे देखने को मिलेंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ, और रोज लक्ष्मी पर नए इल्जाम लगते, तानेबाजी होती, बहस तकरार सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत मजा आएगा आपको ये देखने में। मगर इसी बीच खबरें आ रही हैं कि ऋषि जो है ना, जल्द ही मलिष्का को तलाक लेने का डिसीजन लेने वाला है। जी हाँ, आपको बताते चले कि यहाँ पर पारो के आ जाने से ऋषि बहुत ज्यादा खुश है, और लक्ष्मी के आ जाने से भी बहुत ज्यादा खुश है, और अब वो लक्ष्मी को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है, उसे वो सारी खुशियां देना चाहता है जो वो उसे नहीं दे पाया। इसके लिए वो पारो को तो अपनी बेटी मानता ही है, वो लक्ष्मी के साथ भी अपने रिश्ते सुधारना चाहता है, उसको अपनी पति और पत्नी होने का जो हक है वो उस पर आजमाना चाहता है, या यूं कहें कि जताना ही चाहता है, उसे अपना हक देना चाहता है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो मलिष्का को अपने बीच से हटाए, और इसके लिए अब आप देखने वाले हैं कि हमारे ऋषि जो है ना, वो हमारी प्यारी मलिष्का का और अपना जो है डिवोर्स पेपर तैयार कराने वाले हैं, और इसके बारे में मलिष्का को पता चलने वाला है, और वो बहुत ज्यादा बौखला जाने वाली है, और नीलम को बोलने वाली है कि आपका बेटा मुझे डिवोर्स देने की प्लानिंग कर रहा है, अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो फिर मैं मर जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ नीलम को जो प्रेशर डाल रही है मलिष्का, ताकि वो जो है ऋषि को ऐसा करने से रोके। मगर यहाँ पर इस बार ऋषि किसी की नहीं सुनने वाला है, वो सिर्फ अपने दिल की सुनने वाला है, और उसने डिवोर्स पेपर साइन करके दे दी है मलिष्का को, और कह दिया है कि तुम भी इस पर साइन कर दो, और अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ लक्ष्मी से प्यार करता हूँ, और अब मैं अपनी लक्ष्मी के साथ ही अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, लक्ष्मी और अपने बच्चों के साथ। तभी यहाँ पर मलिष्का कहती कि मेरा क्या, मुझे तुमने अब जब मन चाहा यूज किया फिर फेंक दिया, वगैरह वगैरह सब डायलॉग्स जो है वो मारती है। पर यहाँ पर जो ऋषि है वो कहता है डिवोर्स तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। अब देखना है दिलचस्प होगा कि मलिष्का डिवोर्स देगी या फिर लक्ष्मी को जिंदगी से खत्म कर देगी। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।